के वो जो से यहाँ पे प्रेशर मारा होगा और ये पूरी तरह से फट गया है। और इस समय पूरा आप देखना शुरू कर दिया है सीसी न्यूज और फर्स्ट हिंदुस्तान। अभी हम बरौली प्रखंड गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सरापरा पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो आपको घर सामने दिख रहा होगा पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। जिस घर में पूरे फैमिली का जो भी होता है भविष्य टीका होता है सब बड़ा खत्म हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा सबसे बड़ा इसका जवाब दही जो है इंडियन गैस एजेंसी का है, क्योंकि अब समझिए कि दीपावली है, दो दिन है दीपावली और छठ पूजा है और ये पूरा घर है पूरा तबाह हो चुका है, घर से बेघर हो गया है। और सबसे पर जानते हैं सर कौन जवाब दे गैस सिलेंडर वा, क्योंकि ये पुराना है शायद 25-30 वर्ष का होगा और देखिए यहाँ से फट चुका है। इन परिजनों के मुताबिक कहना था कि यहाँ पे लोग को लाया था, लोग कल ही का दिया गया था सिलेंडर और देने के बाद इन लोगों से बोला भी गया था कि सर लीकेज कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं मान क्योंकि सब फैमिली बता रहा था, फिर भी ये लीकेज कर दिया, बड़ा पूरे तरह से तबाह हो चुका है। एक बगल में भी एक सिलेंडर यहाँ पर देख सकते हैं जो भी लीकेज कर रहा है, और इनके मुताबिक जो यहाँ पे एक आदमी है वहाँ के इनके मुताबिक लीकेज नहीं कर रहा है। और देखिए एक बात हम कहना चाहते हैं, जो भी आप गैस लीजिए अगर आपके घर कोई पुराना पहुँचाता है सिलेंडर जो इस तरह डेट और कुछ करके ना दिया हो, यहाँ पे थोड़ा दिखाइए एक्सपायरी डेट, देखिए यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखा रहता है 2027 यानी 2027 में एक्सपायर करेगा, डेट को देखिए तब लीजिए नहीं तो मत लीजिए, क्योंकि आए दिन में घटना आपके घर भी घट सकता है और आपके घर में कोई भी फैमिली का मौत हो सकता है। हालांकि यहाँ पे इससे कुछ नहीं हुआ है लेकिन बहुत लोग जख्मी है। और आए दिन अभी गोपालगंज जिले का 4 दिन पहले 10 दिन का घटना है, महीना भी पहले का शायद 4 आदमी का मौत हो चुका है। और एक बात और हम बता दें कि अभी सावधानी बरतिए नहीं तो बहुत सारी घटनाओं का समस्या करना पड़ सकता है। तो मत ले मत लेट बनू डेट देख के गैस ली ठीक बाई समझ में जी तो आज के बाद से लेम ठीक ठीक डेट देख हाँ, सही बात 27 में एक्सपायर करी हाँ, तो परिवार हमारे बोल तुम जी कहा कि उठा ली रहा तो हम देखिए हम उठा के लेके चल गई रात में लेकिन जलाओ लिखे गए वैसे ही रखल बहुत उनका इंतजार होता जो वो सीट बदल के ले जाए तो जो अभी सुनिए वैसे ही घर में पड़ल बा। एक मिनट जो अभी दर्शक हैं आपके घर तो उपयोग होता ही होगा गैस, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि 27 आपके कोई भी गैस लेते हैं उस पर डेट लिखा हो, क्योंकि अभी कबूल नहीं करेंगे क्या ना इधर आइए ये कबूल नहीं करेंगे क्योंकि जल गया है दिखाई नहीं देगा इनको, ये कबूल नहीं करेंगे, आप भी बाद में फंस सकते हैं तो ये कृपया देख कर लिया जाए। सर सर इधर आइए पूछते हैं क्या है आप एजेंसी एजेंसी सर हम वहाँ पर छोटा पोस्ट पे हैं छोटा पोस्ट लीकेज नहीं हुआ है। टेस्ट डेट का मतलब क्या होता है आपका साथ ये आपका फ्रेश सेंडर का मत दिखाइए सर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेस्ट डेट इसका मतलब हमको समझाइए। यहाँ पे जो सर टेस्ट डेट लिखा है यहाँ इसी पोर्टी पे लिखा होगा जो ये जल गया है इका मतलब ये सर नंबर है क्या नंबर पढ़िए तो लिखा हुआ टेस्ट डेट ये मतलब 10, 18 और 18 जो है ना 8 ये आपका टेस्टिंग नंबर है 18 पूरा परिवार तिरपाल देख सकते हैं पूरा किस तरह कंडीशन है परिवार के पूरी तरह से घर से बेघर हो गया, देख सकते हैं कैसे हम रहने के लिए घर साथ बेघर हो गए और दिखाइए इधर थोड़ा सा अब उनसे क्या बात कीजिए मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। इधर आइए पूरी तरह से क्षति हो गया, एक एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से जल गया है और देखिए पूरी बक्सा है यहाँ पर बहुत कपड़ा उपड़ा है पूरी तरह से जला हुआ है। इधर आइए पास में आइए अब देखिए दीपावली था छठ पूजा था ये घर में कैसे दीप जलेगा इसका जवाब दही कौन होगा इंडियन गैस एजेंसी, क्योंकि वो जांच करके देता निरीक्षण करके देता तो शायद इस तरह का घटना नहीं होता। देखिए पूरी तरह से और यहाँ पर देखिए क्या हो भारत कृषि प्रधान देश देखिए क्या बर्बाद हो गया है सिर्फ गैस एजेंसी के चलते। इन परिवारों के मुताबिक पूरा तरह से यहाँ पर साइकिल लोकल जल गया है, इधर देखिए भी चाउर है गहना गुड़िया जो भी सामान था जल चुका है, कोई प्रयोजन आए इनके घर के कोई घर का इनका है तो बुलाइए तो अब देखिए इधर पूरी तरह साइकिल वाइकिल सब चीज कुछ भी नहीं बचा है इस फैमिली में, हंडा उंडा सब जल कब आग लागल हो
10 बजे के करीब में। 10 बजे कैसे? गैस से। क्या गैस से? माने गैस लिया के नहीं दे देना कहत नहीं हम कि जे गैस चेक कर लेन त कह तरीका के हम कर लेंगे क के हम पग क गिरा दे पता ठीक बा हमको नीमा से चेक कर त ह ठीक बा चलो कोई तक जाते गैस में आ के गैस फट गइल था कहीं तो फट गबे फट गइल बैठे शाम के तो जलावत रह लो किए गनिया यही लखन या जलावल ऑटोमेटिक एकदम कहीं से निकल त रहे बाहर ही निकाल कर रखा है ओजा घर में से ले के विगत हुए है तो ओजा ले के धैले रहो सा जान ली अच्छा लीकेज रहवे तो बाहर ले के धन हां वो हमर बड़की पतो ले जा के बाहर ले के धो दे हमरा लागे रहो ओखी सर हां ओखी लागे रहो है हमरा मालूम रहे तो ओही लागल हम बिक दीती खेता में अभी उनका का अजय को बुला के ले वहां से देखा के हमरो के जगह हो सा आ कहते है देखो नहीं फोन फोन लिख मारता हमरा मोसादानी में धली हुए तनिया से हमें राय कर दें घी डाल जाओ तो हम मोसादानी में हमने फोर से धो लेते हैं काली मजा रहू है घूर फूकल और कौन से पसर हुए है तो कल लेकिन कर तो फाइल भरवा पूरा हां पूरा कौन से फाइल महकत रहवे किनारे वाले लोगन के महकत ना रहू तो साफ फोर फोर को बिगत रहू ओकरा पहले महकत रहू है हां तब निकाल के घर में चले जाके बहरी कर हो जा वही जब एक बैग जान जा धोली हुए अच्छा गैस कल के उठल रहे कलन उठल रहे गए हां कल के उठल रहे गए का रुवा कहतर नहीं होलो कि शायद लीकेज करत रहे कह जांच उच करे के तो उतना ना कोले ठीक ना ना एहन काली कह जी जांच कलम बढ़िया से निया तो कह तनी का के हलकन देखा दे खोल के निया आ फिर बंद कर दे गैस गिरा दे हम को नीमा से कने तक दे गैस गाड़ी पैसा लेके गाड़ी चल चलते रह आ गैस उतर ले बन तले गैस मुंह काटा दे निया आई बटे घर भेज धराई बटे निया तले फोई फोई कर दा उठा के दूर ले जाए ले तले गैस फाट गो का कहत नहीं किरा ओही जा गैस अति भइल बा तारा पहुंचाइल बा ओ जे गो धैल बा कोन है घर में आंगना खाए कोन ना बत हुए निकाल को जा लिया के धर देले हुए सब जो भी गहना गुड़िया था सब जर के रखो गया है भाई देखिए है देखिए गहना गुड़िया जो भी है पूरी श्रद्धा से समझ सकते हैं अरे गाय बेचे थे 30,000 का आप पहले से 40,000 रुपया था 70,000 रुपया रे जल गया इसी में आप देख सकते हैं पूरी जो भी सामान था गैस वाला आया तो उससे बोला कि अरे चलो वो खाना गैस खाना बन रहा था तो वो बोल रहा है वो चेक किया तो बोल रहा है कि अरे यही लिखे तो हम लोग बोला कि अरे वो लिखे तो इसमें क्यों अति गैस धरा है तो वो बोल रहा है इसी में लिखे अभी जो नंबर देख रहे थे वही गैस का आप देख सकते हैं वो तो ठीक है जितना भी 30 लाख 50 लाख जो भी है वो तो जाँच का विषय जाँच करेंगे लोग और सबसे बड़ा सुनिएगा आप सावधानी और असावधानी कितना बढ़ता है जो भी गैस आपके यहाँ बांटता है आप समझ सकते हैं कुछ छिपा नहीं है आपके घर आसपास गैस सूझता होगा उठाते होंगे तो देखते होंगे ये लोग उठाता है लोग आप बिकता है लोग चाहे वो सोने हो चाहे कुछ हो और वही कारण है अगर वहाँ से फाटा हुआ है तो शायद थोड़ा फिर से आ जाइएगा फिर से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं शायद अगर फाटा भी होगा तो इसी कारण से एक तो पुराना है सिलेंडर हुआ और उसके बाद पटकने वो जो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा पटका हो गया है और पटकने के वजह से यहाँ पे प्रेशर मारा होगा और ये पूरी तरह से फट गया है और इस समय पूरा फैमिली बर्बाद हो चुका है क्योंकि कुछ नहीं है क्या कहना चाहते हैं इधर आइए तो क्या क्या परिवार को हाँ तो परिवार यहाँ पे देख सकते हैं तिरपाल में रह रहा है लो और इधर कुछ यहाँ पे आम जनता है हाँ हम अगर जानती से तो खेता में हम बिक दी थी हमारा उंगी लगे देखिए ऐसी में धो ली हुए डाली में देखा यहाँ पे हाँ और बहुत बड़ा जख्मी है गोड़ है जर गई भाई पूरी तरह से भाई के बाट में धा लगल बहुत जर हो गई बा सर इधर आइए तो सर कौन इसका जवाब दही है ऑल टू ऑल इंडियन गैस है इंडियन गैस के जो अधिकारी है सबसे ज्यादा इन्वॉल्व वही है उसको जांच बैठा कर उनको जो भी उचित हो उसको मुआवजा दिया जाए और जो भी जितना विशेष कर दिया जाए इन लोग के लिए राहत चलिए सर मुआवजा ठीक है मुआवजा मिलेगा सब कुछ मिलेगा जिस फैमिली में ये तरह घटना हुआ है शायद किसी का मौत हो सकता था जी तो क्या पूरा कर दे ना कभी नहीं होता कभी कोई नहीं पूरा करता हम क्या कोई नहीं करता अच्छा सावधानी आप देखते हैं जो अभी गैस सिलेंडर बढ़ता है बंटवारा करता है और सावधानी बढ़ता है कि नहीं बिल्कुल बढ़ता है इसलिए ऊपर से लोग बिक देता है सब ऊपर से फेंक देता है ऊपर से बिकता है सभी सिलेंडर पुराना कोई कहता है कि पुराना सिलेंडर है हमको मत दीजिए तो कहते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है लेना है तभी ठीक है नहीं तो हम ले जा रहे हैं हाँ लोग डर में लोग ले लेता है सब लोग डर में लेता है अभी लोग बता रहे थे कि हमारा पुराना दो तीन और जगह है आई लोग नहीं ले जा रहे हैं यानी गलत किया है कि नहीं चाचा गलत किया है गलत किया है गलत किया है
पुराने गैस छोड़ दो भाग ले। हाँ अब पाँच मिनट सर ना रुकी लो, पाँच मिनट ना रुकी ऊपर से फेंक दिलो कहलो कह लेबे के बतल न जा अब भागते रहो भागते रहो। हाँ यहाँ तमाम माताएं और बहने और भाई बहन अच्छे बताइए आप लोग अगर इस तरह मिसबिहेव करता है लोग फेंकता है उचित लेना है कि नहीं लेना है? लेना है लेना है। माने मान लीजिए उस तरह मिसबिहेव करता है लोग इज्जत नहीं देता लो फेंक देता है लोग आए दिन का घटना अपने घर देखना चाहते हैं आप? नहीं 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 आप नहीं देखना चाहते हैं कि ऐसे घटना मेरे घर घटे? तो एक बात सुन लीजिए आप लोग जब भी आप लोग यहाँ पे माताएं बहन है भाई बहन थोड़ा सा इधर आ जाइए पास में जाइए हाँ सिलेंडर लीजिए जब भी आप यहाँ पे डेट देख लीजिए हम बार बार यहाँ पे डेट दिया रहेगा यानी एक्सपायरी डेट है जो 27 लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट है 2027 में ये एक्सपायर करेगा। अगर देखिए इधर अगर आपको सिलेंडर पे नहीं दिखता है उनसे पूछिए जो आपके घर जाता है बांटने गए उनसे पूछिए इसका एक्सपायरी डेट बताइए क्योंकि आपके घर भी ये घटना हो सकता है। तो संभलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हम बताए हैं ये तरीका समझे क्योंकि ये लोग पंचायत लेवल पर गैस तो बांट देते हैं लेकिन कौन उस तरह का थोड़ा सा जो घर के गृहणी है उनको बताया जाए कि कुछ सुझाव दिया जाए कि ऐसे यूज करना है ऐसे सावधानी बरतिए कुछ नहीं गैस देना है जाना है बस वही काम है पैसा दे देना गैस ले लेना लेकिन कोई सुझाव के लिए लीकेज कर रहा है वो बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा कहता है। हम झगड़ा किए हैं 2 दिन हाँ गैस का झगड़ा किए हैं तो हमारा भाव ले रही थी और वो हवा अथी दे रहा था पानी दे रहे बुझबुझी मार रहा था वह नहीं नहीं ठीक है अरे गए वहाँ पर नहीं लौटा है आप जाए भी नहीं होंगे क्योंकि जो आए हुए हैं बोल रहे हैं कि इस पर डेटवे नहीं दिख रहा है क्योंकि आग लगा हुआ है मिट गया है आप लीजिए तब भी लीजिए जब वहाँ पर डेट लिखा हो नहीं तो वहाँ पर एजेंसी में जाइए किसी मीडिया कर्मी से संपर्क कीजिए अगर ऐसा होता है तब डेट हो तब लीजिए नहीं तो मत लीजिए बहिष्कार कीजिए कोई भी गैस एजेंसी हो हम कल इंडियन के नहीं बोलते हैं कोई से भी घटना हो सकता है HP होता है भारत हो कोई से भी हो सकता है। तो मेन बात हम हमको बार बार बताने का समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि डेट देख लीजिए और इसको देख लीजिए और आए दिन आपके घर भी इस तरह का घटना न हो इससे बचिए। तो आप देख रहे थे MSC News फर्स्ट इंसान हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक धन्यवाद जय हिंद।